न्यूज सर्विस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 6 मार्च 2022 को पोप फ्रांसिस ने फरिश्ते के सलाम की दुआ के बाद मोमिनीन से खताब करते हुए कहा कि आजमाइश का जवाब खुदा के कलाम से दें। पोप फ्रांसिस ने मोमिनीन को इन बिदतों के खिलाफ होशियार रहने की तंबीह की है जिनसे जिंदगी के सफर में हमारा सामना होता है। उन्होंने कहा, हमें चौकन्ना रहना है और खौफजदा नहीं होना, क्योंकि दर हकीकत शैतान जो चालाक है हमेशा धोखे का सहारा लेता है और वो ये भी जानता है कि अपने आप को बजाहर मजहबी मकासद के कैसे बदलना है। आखिर में पोप फ्रांसिस ने मोमिनीन को यीशु की तरफ देखने की दावत दी, जो शैतान से समझौता नहीं करता, बुराई से मुआहदा नहीं करता, वो खुदा के कलाम से शैतान का मुकाबला करता है, जो शैतान से ज्यादा ताकतवर है और यूं वो आजमाइश पर काबू पाता है। पोप फ्रांसिस ने कहा, आइए हम खामोशी से दुआ के लिए थोड़ा वक्त निकालें, जरा सा रुक कर देखें कि हमारे दिलों में क्या हलचल मच रही है। अपने आप को खुदा के कलाम के सामने दुआ में रखें ताकि इस बुराई के खिलाफ एक मुस्बत लड़ाई लड़ सकें। गुज़श्ता दिनों पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन में अमन और इंसानी हमदर्दी की राहें खोलने की अपील की। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन में अमन के लिए दिली इल्तिजा की और जंग के मुतासरीन खासतौर पर माओं और बच्चों की मदद करने की अपील की। पोप फ्रांसिस ने कहा कि यूक्रेन में दुश्मनी के खात्मे और इंसानी हमदर्दी की राहें खोलने को यकीनी बनाया जाए। पोप फ्रांसिस ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जो पनाह गजीनों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं उन सहाफ़ियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मालूमात फराहम करने के लिए अपनी जान खतरे में डाली। उन्होंने लोगों को दावत दी कि आइए हम मिलकर मुकद्दसा मरियम मलिका रहम से यूक्रेन में अमन के लिए दुआ करें। 8 मार्च 2022 को सेंट मेरीज पैरिश गुलबर्ग लाहौर के जेरे एहतमाम आलमी यौमे ख़वातीन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। रेवरेंड फादर कैसर फिरोज पैरिश प्रीस्ट ने तमाम शुरका को खुशामदीद कहा और इस बात पर जोर दिया कि ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो बेटों और बेटियों को ना सिर्फ तालीमी मैदान में बल्कि जिंदगी के हर मैदान में उनको बराबर की अहमियत दें। इस प्रोग्राम की मेहमान खसूसी मिसफा पैट्रिक थी। मिसेस नौरीन हारून ने अक्वामे मुत्तहिदा के तजवीज़ करदा मौजू आज लड़कों और लड़कियों के मसावी हकूक आने वाले कल के लिए पायदार तरक्की पर खूबसूरत अंदाज में रोशनी डाली। उन्होंने कहा, हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। तालीम हासिल करना हर इंसान का बुनियादी हक है, लेकिन लड़कियों को तालीम से महरूम रखा जाता है। बाज़ खानदानों में लड़कों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है और कई खानदानों में लड़कियों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, जबकि ख़ानदानी और माशी तरक्की के लिए दोनों को बराबर मौके देना बहुत ज़रूरी है। मोहतरमा सिस्टर स्टेला और गुड शेपर्ड सिस्टर्स की कयादत में सीनेट के मौजू पर खूबसूरत ड्रामा पेश किया गया, जिसमें खानदान से लेकर क्लिसियाई सतह पर खवातीन की शिरकत, शराकत और खिदमत जैसे किरदार को उजागर किया। मोहतरमा सिस्टर बर्नादित और FCJ सिस्टर्स की कयादत में मुख्तलिफ गेम्स का इनेकाद किया गया, जिसमें अव्वल, दोयम और सोयम आने वालों को सर्टिफिकेट दिए गए। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर कुकिंग, मेहंदी, डिज़ाइन, माहिये और बोलियों के मुकाबलों के लिए मिसेस बरखा दुरानी, मिसेस मिसफा पैट्रिक और मिस्टर रियाज ने जजेस के फ़राइज़ अदा किए और पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों को अपने दस्ते मुबारक से सर्टिफिकेट तकसीम किए। प्रोग्राम के आखिर में रेवरेंड फादर सुनील इरफान ने तमाम मेहमानों और शुरका का शुक्रिया अदा किया। 5 मार्च 2022 को सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी कैथोलिक चर्च हाफजाबाद में रोजा और इसकी रूहानियत के मौजू पर एक रोजा सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस सेमिनार के मुकर्रर रेवरेंड फादर जफर तनवीर थे, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से कलामे मुकद्दस की रोशनी में मोमिनीन को रोजे का तसव्वुर और रूहानियत के मुतालिक बताया। फादर मौसूफ ने कहा कि रोजा तब्दीली की तरफ माइल करता है, खुदा की कुर्बत में रहने और उसकी खुशनुदी पाने का एक बहुत बड़ा रास्ता है। इस सेमिनार में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले कसीर उल तदाद मोमिनीन ने शिरकत की। प्रोग्राम के आखिर में रेवरेंड फादर अलमास जॉन पैरिश प्रीस्ट ने तमाम शुरका और खास तौर पर रेवरेंड फादर जफर तनवीर का शुक्रिया अदा किया। गुज़श्ता दिनों सेंट ट्रीज़ा चर्च मीरपुर खास में 16वीं आलमी बिशप सिनेट के हवाले से एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। मिस्टर रियाज डेविड ने 16वीं बिशप सिनेट का तारुफ और उसके मुकासद बयान किए। इसके साथ ही मकतबा अनावीम पाकिस्तान की 33 साल खिदमात का बयान किया। इसके बाद 10 ग्रुप्स तश्कील दिए गए। सिनेट के सवालात इन ग्रुप्स को दिए गए। वर्कशॉप के बाद ग्रुप्स ने रिपोर्ट्स पेश की। सेंट माइकल हाई स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर समीना जोसेफ, वसीम डैनियल, फादर जोजे और मिस्टर रियाज डेविड ने मकतबा अनावीम पाकिस्तान की 33 साल खिदमात का केक मिलकर काटा। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए। उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज़।
अमन और सच्चाई के इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसेस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें आरबीए के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com, व्हाट्सएप नंबर है 00-3334591055। Radio Veritas Asia.